जुलाना के राजकीय कॉलेज में बिजली और पानी की भारी किल्लत से परेशान छात्रों ने एकत्रित होकर गेट पर ताला जड़ दिया। परेशान छात्रों ने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए रोष प्रकट किया। सूचना पाकर जुलाना पुलिस मौके पर पहुंची और नारेबाजी कर रहे छात्रों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन छात्र बिजली और पानी की मांग को लेकर लगातार गेट के बाहर नारेबाजी करते रहे। छात्रों का कहना है कि लगातार 16 जुलाई से ही कॉलेज में बिजली और पानी की किल्लत चल रही है, लेकिन बिजली विभाग के शेड्यूल के हिसाब से 11 बजे तक का बिजली का कट रहता है और कॉलेज में रखा जनरेटर भी खराब हो चुका है। कॉलेज प्रशासन ने बार बार बिजली के शेड्यूल बदलने की मांग बिजली विभाग से की, लेकिन उन्हें केवल आश्वासन ही हाथ लगा। बिजली न होने से कॉलेज में पानी की भी भारी परेशानी हो गई है। कॉलेज में रखे वाटर कूलर से गर्म पानी निकलने लगा। कॉलेज में रखे जनरेटर का चेंज ओवर खराब होने की वजह से छात्रों को गर्मी में ही पढ़ने पर मजबूर होना पड़ रहा है। मंगलवार को सुबह दर्जनों छात्र कॉलेज के गेट के बाहर एकत्रित हुए और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए रोष प्रकट किया। हमें कॉलेज लगते हुए कम से कम एक महीना हो चुका है, लेकिन हर एक क्लास में हमें लाइट की जो है असुविधा का सामना करना पड़ता है। हमारी कंप्यूटर की क्लास बिना किसी बिजली के ऐसे ही चलती रही है और ना ही पंखे चलते हैं, और इसीलिए हमने बिजली की किल्लत के कारण तंग होने के कारण हमने कॉलेज को ताला जड़ दिया। कब तक खोलोगे? जब तक बिजली की उपलब्ध सुविधा नहीं समाधान नहीं होगा। राजकीय कॉलेज के उपाचार्य के आश्वासन के बाद ताला खोला गया। उन्होंने कहा कि कॉलेज में 9 से 11 बजे तक का बिजली का कट रहता है। बार बार बिजली विभाग को इस बारे में पत्र लिखा जा चुका है। कॉलेज में रखे जनरेटर का चेंज ओवर खराब होने के कारण बैटरी डेड हो गई थी। कल तक बैटरी का रिचार्ज कर दिया जाएगा। जनरेटर द्वारा कॉलेज में हमने एप्लीकेशन भेज रखी है पहले भी, और उनको टेलीफोनिकली भी बात हुई, टेलीफोन पे भी आपके सामने उन्होंने बोला कि आपके लेटर पहले भी आए हैं, इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है, ये तो पंचकुला से होगा, 9 से 11 हम लाइट नहीं दे सकते। बाकी तो हमने बच्चों को बोला है कि कल बैटरी चेंज हो जाएगी, परसों से जनरेटर भी चल जाएगा, और 9 से 11 हम जनरेटर चला दिया करेंगे, बाकी 11 बजे लाइट आ जाएगी, काम चलाया जा सकेगा। जुलाना से अशोक खर की रिपोर्ट। You are watching News India Live TV. Subscribe our channel for latest news and updates. And don't forget to press bell icon for latest notifications.